अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि क्यों बना इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसके की प्रोविजंस देखेंगे कि क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं, बेसिक इसकी सिग्निफिकेंस को स्टडी करेंगे, इस एक्ट की शॉर्टकमिंग्स को डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड कंक्लूजन के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एक तरह से जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि किस तरह से लेजिस्लेचर काम करेगा या किस तरह से नेशनल असेंबली काम करेगी, सेनेट कैसे वर्क करेगा, क्या रूल्स होंगे, जुडिशरी कैसे वर्क करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक कंट्री को चलाने के लिए लिखे गए हैं। इसी तरह से उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में यानी सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन काउंसिल एक्ट में ये डिसाइड किया था कि किस तरह से गवर्नमेंट रन करेगी ब्रिटिश इंडिया में यानी सब कॉन्टिनेंट में। तो हम इसी के बारे में, इन्हीं प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट को रन किया जा रहा था। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 वाज पास्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द एंगेजमेंट ऑफ इंडियंस विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया। कि ब्रिटिश इंडिया में पहले नेटिव इंडियंस की इतनी पार्टिसिपेशन नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ये पार्टिसिपेशन इंडियन नेटिव्स को दी गई, ये इंडियंस की ही एक डिमांड थी। तो ये जो एक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, ये एक सक्सेस थी इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में नेटिव इंडियंस के लिए कि किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश इंडिया को कंपेल किया कि वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने दें। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो एसोसिएट करेंगे इंडियंस को विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। हिस्ट्री को समझने के लिए, इनफैक्ट किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना मस्ट है। सो हम फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट का बैकग्राउंड देखेंगे कि उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में क्या कंडीशंस थी जिस टाइम पे ये एक्ट पेश किया गया। बिफोर वार ऑफ इंडिपेंडेंस गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव दोनों वो मिलके ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, लॉ मेकिंग की भी और उसकी एग्जीक्यूशन की भी। जैसे अब हम पाकिस्तान में देखते हैं कि लेजिस्लेचर अलग से और एग्जीक्यूटिव अलग से है, बट उस टाइम गवर्नर जनरल जो था वो एग्जीक्यूशन भी कर रहा था और लॉ मेकिंग भी कर रहा था। लेकिन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने ये रियलाइज़ किया कि इंडियंस को भी एसोसिएट करना चाहिए हमें इस काम में। सिर्फ गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश है और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो भी सारे के सारे ब्रिटिश है, इससे जो है वो रिजेंटमेंट प्रोड्यूस होगी और लोगों के अंदर। सो सर सैयद अहमद खान ने भी अपनी जो है जो उन्होंने बुक लिखी द काजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, उसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस की जो वजह है, एक वजह ये भी है कि इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर एसोसिएट नहीं किया गया और लोगों के अंदर इस चीज़ का इनरेज हो गए हैं लोग इस बात पे कि उनको पॉलिटिकल स्नैरियो में क्यों इन्वॉल्व नहीं करवाया जा रहा या किया जा रहा। सो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1867 प्रेजेंट किया, जो कि पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कि यूके में था, विच अल्टर्ड द कंपोजिशन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पर्पस। उसने वो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी जिसमें सिर्फ गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव शामिल थे और लेजिस्लेचर में भी वही सारे के सारे गवर्नर जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव के जो लेजिस्लेटिव पर्पस है उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया। जो 1861 एक्ट था उसकी प्रोविजन वर फाउंड टू बी इनसफिशिएंट, वो इनफ नहीं थी इंडियंस के लिए। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी थी उस टाइम, उसने बहुत ज़्यादा अपनी डिमांड्स रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुस्लिम और हिंदू दोनों के लीडर्स शामिल थे और उनकी जो डिमांड्स थी वो भी म्यूचुअली डिसाइडेड थी मुस्लिम्स और हिंदूज़ की। सो उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी हद तक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इस्टेब्लिश हो चुकी थी और लोगों में बहुत ज़्यादा पोलिटिकल अवेयरनेस भी आ गई थी, इसलिए ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड्स को कुछ हद तक मान लें। अब हम ये देखेंगे कि 1861 में क्या था 1861 के एक्ट में, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि 1892 में फिर क्या चेंज हुआ। इसकी की प्रोविजंस में ये देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी 1892 में और उससे पहले 1861 में क्या चेंज आया 1861 और 1892 की एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में थी। इसमें फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे।
तो सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो कंट्रोल कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया को थ्रू वाइस रॉय ऑफ इंडिया. वाइस रॉय मौजूद था इंडिया में और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ब्रिटेन में. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्चुअली कैबिनेट मिनिस्टर था ब्रिटिश पार्लियामेंट का. सो ही वॉज इन ब्रिटेन, वो ब्रिटेन में मौजूद था. वॉइस रॉय जो था वो इंडिया में मौजूद था और वॉइस रॉय इस सारी की सारी डिटेल्स को कन्वे कर रहा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश इंडिया की सारी डिटेल्स को कन्वे कर रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में. सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटेन में मौजूद था एंड ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड वॉइस रॉय वॉज इन इंडिया. एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया की वो सेम रही 1861 और 1892 दोनों एक्ट में, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी वही वैसे ही रहा और वाइस राय भी वैसे ही रहा. वाइस राय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया. एक्चुअली 1861 की ही एक्सटेंशन था 1892 का एक्ट, थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के बाद. ये तो हो गई एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन को हमने देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो 1861 में एडमिनिस्ट्रेशन थी वही 1892 के एक्ट में भी वही एडमिनिस्ट्रेशन रही. अब हम देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर को. दो लेजिस्लेचर थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अलग से था और सेंट्रल लेजिस्लेचर अलग से था. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या किया गया. जिस तरह से पाकिस्तान में भी अभी लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव भी शामिल है, एग्जीक्यूटिव में होता है पीएम और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उसके अलावा जो भी लॉ मेकिंग बॉडीज जैसे नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स होते हैं, इसी तरह से तब किया गया कि एग्जीक्यूटिव और कुछ एडिशनल मेंबर्स रखे गए लॉ मेकिंग के लिए. अब एग्जीक्यूटिव को कोई चेंज नहीं किया गया, उसका वही सेम वैसे ही वाइस राय था और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे. एडिशनल मेंबर्स में दो तरह के मेंबर्स थे, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल. एडिशनल मेंबर्स को वाइस राय नॉमिनेट करता था. ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल मेंबर्स को के लिए ये कहा गया कि ये मस्ट होगा कि ये ब्रिटिश होंगे, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए ये अलाउ किया गया कि वो इंडियंस हो सकते हैं. और एडिशनल मेंबर्स की तादाद 6 से 12 तक हो सकती है. ये 1861 के एक्ट में था ये सब कुछ. 1861 के एक्ट को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि 1892 में आई हुई चेंजिंग्स का फिर अच्छे तरीके से पता चल सके. ये 6 से 12 जो मेंबर्स थे इनको वॉइस रॉय नॉमिनेट करता था. इंडियंस के पास, इंडियंस ओनली कैन बी एडिशनल मेंबर्स. एडिशनल मेंबर्स ही सिर्फ हो सकते हैं, वो भी नॉन ऑफिशियल. सो उनके पास पावर्स भी लिमिटेड थी. क्या लिमिटेड पावर्स थी? कि जो नॉन इंडियंस थे वो फाइनेंस पे, अपने कंट्री के ब्रिटिश इंडिया के फाइनेंस पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर सकते. उसके अलावा वो नॉमिनेट होके आ रहे थे, और कोई भी पावर्स ऐसी नहीं थी जिनसे लोकल इंडियंस कॉमन मैन को कोई फ़ायदा हो. तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस वक्त मुस्लिम्स और हिंदू दोनों की नुमाइंदा जमात थी, दोनों को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसने ये डिमांड्स रखी ब्रिटिश इंडिया के साथ, ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, कि एडिशनल मेंबर्स की तादाद को इंक्रीज़ किया जाए जो पहले 6 से 12 थी 1861 के एक्ट के अकॉर्डिंग, और इंडियंस को अलाउ किया जाए कि वो फाइनेंस पर डिस्कस कर सकें. और उसके अलावा एडिशनल मेंबर्स जिनको वाइस राय यहाँ पर नॉमिनेट कर रहा है, वो नॉमिनेशन की बजाय इलेक्ट होकर आए. सो अब हम देखेंगे कि किस तरह से, क्या ब्रिटिश ने क्या चेंजिंग्स की 1861 के एक्ट के सेंट्रल लेजिस्लेचर को 1892 में किस तरह से किया गया. अब हम देखेंगे 1892 के लेजिस्लेचर में क्या चेंजिंग्स की गई सेंट्रल लेजिस्लेचर में. जैसे हमने देखा कि वहाँ पर पीछे 1861 में एडिशनल मेंबर्स की तादाद 6 से 12 थी, उसको इंक्रीज करके 10 से 16 कर दिया गया. इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट बात तो मान ली गई कि एडिशनल मेंबर्स की तादाद को ज़्यादा किया जाए, और ये कहा गया कि 2/5 ऑफ एडिशनल मेंबर्स हैं वो नॉन ऑफिशियल होंगे. हमने पीछे देखा कि एडिशनल मेंबर्स दो तरह के, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल. तो ये कहा गया 1892 के एक्ट में कि एडिशनल मेंबर्स जो हैं उसका 2/5 पार्ट जो है वो नॉन ऑफिशियल होगा. सेकंड जो डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कि फाइनेंस पर डिस्कशन की जाएगी, ये 1892 के एक्ट में ये परमिट कर दिया गया, ये परमिशन दे दी गई कि इंडियंस भी फाइनेंस पे डिस्कशन कर सकते हैं. एडिशनल मेंबर्स को अलाउ कर दिया गया कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स, अब जो है अब हमारे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स उनको कहा जाता है, उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स कहा जाता था, उनसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट कर सकते कि अगर वो उसका कोई आंसर देंगे तो नेक्स्ट, मतलब फिर भी लिमिटेड पावर्स थे कुछ. हमने दो चीज़ें देखी, 1861 में किस तरह से थी एडमिनिस्ट्रेशन और 1892 में क्या हुई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और देन हमने देखा कि सेंट्रल लेजिस्लेचर 1861 में कैसा था एंड देन 1892 के एक्ट में किस तरह से कर दिया गया. अब हम देखेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को. प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को और ज़्यादा पावर्स दे दी गई,
और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ज़्यादा पावर्स दी गई सेंट्रल लेजिस्लेचर से। ये न्यू लॉज भी प्रपोज कर सकते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर। एडिशनल मेंबर्स को भी इंक्रीज कर दिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। और एक काम ये किया गया कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये डिमांड नहीं मानी गई कि एडिशनल मेंबर्स इलेक्ट हो गए हैं बजाय इसके कि वॉइस रॉय इनको नॉमिनेट करें, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ये बात मान ली गई कि एडिशनल मेंबर्स जो थे उनकी तादाद को भी इंक्रीज कर दिया गया और साथ साथ वो इलेक्ट भी हो सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या डिफरेंट जगह से जो है उनको इलेक्ट किया जा सकता है। सो ये इलेक्शन का मेथड जो है वो फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट सक्सेस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी और ब्रिटिश सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस की और इंडियंस की कि उन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम उनको प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिला इस एक्ट के थ्रू और वो अपनी कोशिशों में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट जो है इसमें फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन मुतारफ करवाया गया, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, और यही एक्ट था जिसमें फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया और वो आगे जाके डेमोक्रेसी की, जिस तरह से 1861 के एक्ट की कुछ शॉर्टकमिंग्स थी इसी तरह से 1892 के एक्ट की भी शॉर्टकमिंग्स हैं। दिस एक्ट प्रोवाइडेड नो बेनिफिट टू कॉमन मैन, इससे कॉमन मैन को कोई फायदा नहीं हुआ। इम्पॉसिबल फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर टू पास एनी डिमांड अगेंस्ट ऑफिशियल ब्लॉक। सो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ओनली इंडियंस वर इन नॉन ऑफिशियल, लेकिन नॉन ऑफिशियल को अलाउ तो कर दी गई डिस्कशन, लेकिन फिर भी उनकी कंसेंट के बगैर काफ़ी सारे बिल्स जो है वो पास हो जाते थे और लॉ के अकॉर्डिंग डजंट मैटर। सो अगेंस्ट ऑफिशियल ब्लॉक दे कुडंट डू एनीथिंग। ऑन मैनी ओकेजन्स गवर्नमेंट पास्ड मैनी बिल्स डिसरिगार्डिंग द ऑपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। इंडियन मेंबर्स ने अगर किसी भी बिल के लिए ऑपोजिशन भी की लेकिन फिर भी वो बिल जो है वो गवर्नमेंट ने पास कर दिए। तो दीज वर दी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एक्ट, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट और भी एक्ट प्रपोज करने पड़े ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट को। सो लास्ट है कंक्लूजन, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वॉज अ सिग्निफिकेंट माइल स्टोन था एक इंडियंस के लिए। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा कि दो चीज़ें इसमें सबसे बेस्ट हुई, एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और इलेक्टेड सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया कि नॉमिनेशन नहीं बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इलेक्ट होकर मेम्बर्स आ रहे थे असेंबली में। एक्ट ने इंक्रीज कर दिया साइज लेजिस्लेटिव असेंबलीज का और इंक्रीज कर दी इंगेजमेंट इंडियंस की विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वही वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी इंडियंस शामिल नहीं थे अब वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक्ट क्रिएटेड द स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी फोर्सेज इन इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल की, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आज पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर सीरीज का जो टॉपिक आज स्टडी करेंगे वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। पहले अपनी सीरीज में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को डिस्कस किया, अब उसी के अकॉर्डिंग हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को स्टडी करेंगे। अब एक्ट क्या थे, जिस तरह से अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, इसी तरह से तब ब्रिटिश गवर्नमेंट सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह से गवर्नमेंट अपनी को रन कर रही थी वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि एक्ट्स के अकॉर्डिंग रन कर रही थी। इस तरह से सब कॉन्टिनेंट में ज़रूरत होती थी वो इसमें अमेंडमेंट करके एक न्यू एक्ट पेश कर देते थे जिसका न्यू नेम हो जाता था जिस ईयर में वो एक्ट पेश किया जाता था। जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रेजेंट किया गया था इसलिए इस एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं और इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और क्या चेंजिंग्स की गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को पेश किया गया, एंड इसकी सिग्निफिकेंस और इसके डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियंस इन गवर्नेंस। 1857 से पहले इंडियंस को बिल्कुल भी पोलिटिकल इन्वायरमेंट में शामिल नहीं किया जाता था, लोकल इंडियंस को लेजिस्लेशन में एग्जीक्यूटिव में कोई पार्टिसिपेशन हासिल नहीं थी कि एक्ट्स के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लोकल इंडियंस को भी शामिल किया लेजिस्लेशन में। तो ये एक्ट भी एक तरह से इसी की कड़ी था कि इंडियंस की तादाद को और इंक्रीज़ किया जाए गवर्नेंस में।
ताकि जो रिजेंटमेंट है इंडियंस में ब्रिटिश के अगेंस्ट उसको थोड़ा कम किया जा सके। इट वॉज़ द रिवीजन ऑफ एक्ट ऑफ 1861 एंड 1892। जैसे पहले ही बताया कि 1892 में ही कुछ अमेंडमेंट्स करके इस एक्ट को पेश किया गया एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट का फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स की डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट की को एक्सेप्ट किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है यह हम नेक्स्ट अभी स्टडी करेंगे। आल्सो इट आल्सो नोन एज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, तो इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं क्योंकि जॉन मॉर्ले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो ब्रिटिश में रहते थे और उनका नाम जॉन मॉर्ले था और जो वाइस राय थे इंडिया के उनका नाम लॉर्ड मिंटो था, तो उन्हीं दोनों ने ये एक्ट प्रेजेंट किया था, इसलिए इस एक्ट को मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। और जॉन मॉर्ले 1905 से लेकर 1910 तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे इंडिया के। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट के उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में कौन सी ऐसी कंडीशंस थी जिनकी वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को प्रेजेंट किया गया। 1906 में मींस 3 ईयर्स बिफोर इंडियन काउंसिल एक्ट लिबरल पार्टी केम टू पावर इन ब्रिटेन। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी बरतानिया में, तो 1906 में लिबरल पार्टी आई। अब पॉलिटिकल फ्रीडम, लिबरल पार्टी पॉलिटिकल फ्रीडम के हक में ज़्यादा थी, इसलिए सब कॉन्टिनेंट के लोगों को ये पता था कि अब उनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगा, इसलिए उन्होंने फ्रीडम के लिए मींस अपनी लेजिस्लेशन में और एग्जीक्यूटिव में अपनी पार्टिसिपेशन की कोशिशों को और तेज़ कर दिया। 1906 में जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि शिमला डेप्यूटेशन में कुछ मुस्लिम्स गए थे लॉर्ड मिंटो वाइसराय ऑफ इंडिया के पास और उनके सामने एक प्रपोजल पेश किया था मुस्लिम्स ने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कि अगर इलेक्शन हो तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से सीट्स मिल भी सकें। मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया 1906 में। शिमला डेप्यूटेशन के बाद मुस्लिम लीग भी बन गई इंडिया में। मुसलमानों को जब यह रियलाइज़ हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही अच्छे से, तो उन्होंने फिर अपनी एक जमात बना ली जिससे मुस्लिम्स और भी स्ट्रांग हो गए। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वाज पास्ड टू मॉडरेट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम्स टू इट्स साइड। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आने से पहले सब कॉन्टिनेंट में ऐसी क्या कंडीशंस थी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को प्रेजेंट करना पड़ा। इंडियन काउंसिल एक्ट आने से पहले सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स ने लीडर्स ने मुस्लिम लीग के लीडर्स ने दो डिमांड्स मोस्टली अपनी पेश की थी लॉर्ड मिंटो के सामने। फर्स्ट डिमांड जिसका हमने शिमला डेप्यूटेशन में भी जिक्र किया कि मुसलमान चाहते थे कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है? इन सेपरेट इलेक्टोरेट ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी कंटेस्ट द इलेक्शंस। सेपरेट इलेक्टोरेट को हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि समझें आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 पीपल हैं, उनमें से 12 मुस्लिम्स हैं और 8 नॉन मुस्लिम्स हैं अदर कम्युनिटी के। इस केस में सेपरेट इलेक्टोरेट में ओनली मुस्लिम कैंडिडेट कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन कि इन 20 पीपल हैं अगर तो 12 पीपल में से ही कोई जो है वो एक इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है कैंडिडेट और ओनली मुस्लिम्स कैन वोट और उसको वोट भी उन्हीं बाकी के 11 मुस्लिम्स देंगे। मीन 8 नॉन मुस्लिम्स उसको वोट नहीं दे सकते। इससे फ़ायदा ये हो रहा था कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वो फिर जीत भी सकेगा। सो सेपरेट इलेक्टोरेट में जो एक रिप्रेजेंटेटिव है पर्टिकुलर कम्युनिटी का वही इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। सेकेंड डिमांड जो मुस्लिम लीडर्स ने रखी लॉर्ड मिंटो के सामने वो ये था कि एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेचर में तो 1892 के एक्ट में जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेजिस्लेचर में तो लोकल इंडियंस को सीट दे दी गई थी लेकिन वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव थी उसमें अभी तक कोई भी इंडियंस शामिल नहीं थे। ये मुस्लिम्स की डिमांड थी 2 इंडियंस मस्ट बी इन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक मुस्लिम मेंबर होना चाहिए और एक किसी और कम्युनिटी से हो सकता है। ये दो डिमांड थी मुस्लिम्स की बेसिकली, एक सेपरेट इलेक्टोरेट और दूसरी एग्जीक्यूटिव में मेंबरशिप की। अब की प्रोविजंस को हम स्टडी करेंगे कि क्या चेंजिंग्स की गई इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। जो 1892 था उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे 1892 में क्या था और उसको चेंज करके 1909 में क्या चेंज किया गया। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट को हम फर्स्ट देखेंगे, वो सारा का सारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में ही था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज कैबिनेट मिनिस्टर और वाइसराय वाज इन इंडिया। तो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट 1892 में था जो 1909 के एक्ट में भी वैसे ही रहा सेम। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट में तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज किया गया।
एडमिनिस्ट्रेशन को हम यहाँ दो पॉइंट्स में पढ़ेंगे, एक सेंट्रल लेजिस्लेचर और दूसरा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, कि इन दोनों में क्या चेंजेस किए गए और एग्जीक्यूटिव में क्या चेंज किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने अलाउ किया इंडियंस को कि वो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले एग्जीक्यूटिव में कोई भी लोकल इंडियन को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इस चीज़ को अलाउ कर दिया गया। नेक्स्ट है सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या चेंज किया गया। मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 16 to 60। 1892 के एक्ट में 10 to 16 मेंबर्स थे अलाउ लेजिस्लेचर में, बट अब उनको 16 से 60 कर दिया गया। सेंटर में ऑफिशियल मेंबर को मेजॉरिटी दे दी गई। एट सेंटर ऑफिशियल मेंबर वर टू फॉर्म मेजॉरिटी। अब ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ये आप एक एक्ट ऑफ 1892 की वीडियो को डिटेल से देखेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी कि सेंटर में ऑफिशियल मेंबर को मेजॉरिटी दे दी गई, बिकॉज जो मेंबर्स थे लेजिस्लेचर के वो दो तरह के थे, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। लेजिस्लेटिव मेंबर टू बी परमिटेड टू डिस्कस बजट, सजेस्ट द अमेंडमेंट्स एंड टू वोट इन देम। 1892 के एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, इस चीज़ की डिस्कशन की इजाज़त नहीं थी, बट 1909 में ये सब अलाउ कर दिया गया। एक और चेंज जो किया गया वो ये था कि एडिशनल मेंबर्स को अब अलाउ कर दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर से क्वेश्चन कर सकते हैं। 1892 के एक्ट में ऐसा कुछ नहीं था, एडिशनल मेंबर्स लोकल इंडियंस ही थे और वो क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुस्लिम्स के लिए जो सबसे बेस्ट बात थी वो ये थी कि मुस्लिम्स को राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है ये हम पीछे अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। ये तो हो गया सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब हम देखेंगे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चेंज किया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज नाउ इन सम प्लेसेस। 1892 के एक्ट में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कम जगह पर था, मींस कम प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर मौजूद था, लेकिन अब ब्रिटिश ने अपने अंडर आने वाले रीजन्स में 7 प्लेसेस पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना दिया। जहां बनाया वो था मद्रास, पंजाब, यूपी, बंगाल, बॉम्बे, बर्मा, असम, इन सब जगहों पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना दिए गए। और यहाँ पर मौजूद एडिशनल मेंबर्स जो कि लोकल इंडियंस थे उनकी तादाद को भी इंक्रीज कर दिया, तो ये बहुत बेनिफिटेड हुआ लोकल इंडियंस के लिए। और यहाँ पर ये कह दिया गया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैन बी इन मेजॉरिटी, कि यहाँ पर जैसे हमने देखा सेंट्रल लेजिस्लेचर में ऑफिशियल मेंबर्स थे मेजॉरिटी में, बट यहाँ पर कहा गया कि नॉन ऑफिशियल्स मेजॉरिटी में हो सकते हैं। नॉन ऑफिशियल्स वर आल लोकल इंडियंस जो कि यूनिवर्सिटीज़ और ज़मींदार और इस तरह के रीजन से इलेक्ट होके आ रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि इसकी लोकल इंडियंस के लिए क्या सिग्निफिकेंस थी या क्या इंपॉर्टेंस थी इंडियन एक्ट 1909 की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे अभी हमने देखा, इसने इलेक्टेड इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर दिया कि अब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से इलेक्ट होके इंडियंस, लोकल इंडियंस आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो ऐसा कि पहला नहीं था। एक और फ़ायदा ये हुआ कि मोहम्मद अली जना जो प्राइवेट मेंबर थे, आल्सो प्रेजेंटेड अ बिल वक्फुल औलाद विच वॉज पास्ड बाय काउंसिल। काउंसिल ने एक लोकल इंडियन का दिया हुआ बिल पास किया, तो ये एक बहुत विन विन सिचुएशन थी मुस्लिम्स के लिए। एक्ट ऑफ 1909 ओपन्ड स्पेस फॉर पोलिटिकल डिवेलपमेंट। इस एक्ट ने पोलिटिकल डिवेलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस ओपन की मुस्लिम्स के लिए, मीन्स पोलिटिकल डिवेलपमेंट इंक्रीज हुई और पोलिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज हुई लोकल इंडियंस में। सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स के लिए एक बहुत बड़ी विन वाली सिचुएशन था, प्लेड की रोल इन पोलिटिकल डिवेलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के लिए इसने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले। अब इस एक्ट के डिफेक्ट्स क्या थे? साइज ऑफ काउंसिल को तो एक्सपेंड कर दिया गया था, लेकिन इतनी पावर अभी भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास नहीं थी, लोकल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर्स बहुत कम थी। मेंबर्स को अलाउ तो कर दिया गया कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पेश भी करना चाहें तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं करवा सकते। जो बजट होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आएगा वो ही नेक्स्ट पास होगा। उसके ऊपर तनकीद तो की जा सकती है लेकिन उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये 1909 के एक्ट के कुछ डिफेक्ट्स थे। और इसको हिंदू उसने तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से इंडियंस को लगा कि ब्रिटिश मुस्लिम्स और इंडियंस के दरमियान गैप पैदा करना चाह रहे हैं, और जो है सेपरेट इलेक्टोरेट बिल्कुल भी मुस्लिम्स को नहीं देना चाहिए था। उनके अकॉर्डिंग तो हम दो अलग नेशंस थे ही नहीं, ये मुस्लिम लीडर्स का ही जोर था कि मुस्लिम्स और हिंदूज दो अलग नेशन हैं तो सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। बट मुस्लिम्स लीडर्स ने तो इसको अच्छे से वेलकम किया, बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन हिंदूज ने इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से फिर ये एक्ट भी कैंसिल हुआ और नेक्स्ट और एक्ट आ गया सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए। कंक्लूजन अब हम इसका देख लेते हैं।
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास की रिफॉर्म्स जिनको मिंटोमोले रिफॉर्म्स कहते हैं, इन्होंने बिल्कुल भी चेंज कर दिया और अलाउ कर दिया इंडियन रिप्रेजेंटेशन को एडमिनिस्ट्रेशन में, और इंडियन मुस्लिम्स की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे के, और इस सेपरेट इलेक्टोरेट ने मुस्लिम्स की पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल अवेयरनेस में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जो कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट ना मिलता तो शायद इतनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होती मुस्लिम्स की कि वो एक अलग नेशन की ही डिमांड कर सकते। इसी सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से मुस्लिम्स एक अलग नेशन के तौर पर उभरे और फिर अपना अलग से वतन हासिल किया। सो इंडियन एक्ट ऑफ 1909 प्लेड अ की रोल इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ मुस्लिम्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ पाकिस्तान अफेयर सीरीज़।